दोस्तों ये एक ओमरोन कंपनी की बीपी की मशीन है, तो इसमें हम दिखाते हैं क्या है दिक्कत। जैसे कि हम इसको ये हाथ में हम इसको बांधते हैं, तो बांधने के बाद दोस्तों इसको हम ऑन करते हैं। तो ये दोस्तों ऑन तो हो जाती है, ऑन होने के बाद ये स्टार्ट भी होगी, ये नंबरिंग चालू होगी। तो जैसे अब 4-5 तक आई एकदम से ये बंद होगी, फिर हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। दोस्तों ये ऑन होगी, ऑन होने के बाद देखिए नंबरिंग होगी 4, 5, 6। अब देखते हैं, कभी तो ये 4-5 के बाद ही बंद हो जाती है, कभी काफ़ी चल जाती है, अब देखते हैं कहाँ तक चलती है। तो ये पूरा वीपी नहीं करती, लेकिन बीच में ही इस समय नंबरिंग बढ़ रही है, और हाथ में प्रेशर हो रहा है इस समय। ये देखिए अपडेट के बाद वापसी आई, तो दोस्तों एक बार तो सही चल गई है, अब ये दोबारा देखते हैं। ये कई बार थोड़ा सा बीच में जाके है ना एकदम कट मार देती है, पूरा प्रेशर नहीं लग पाता। तो दोस्तों एक बार और नापते हैं इसको, दोस्तों इसका थोड़ा सा बटन में थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, एक बार इसको खोल लेते हैं। लेकिन इसमें दोस्तों दिक्कत यही है कि ये 4-5 तक जाती है, उसके बाद ये कट मार देती है। दोस्तों इसको हमने पिन निकाल के अब चला रहे हैं, अब देखना। दोस्तों अब तो ये थोड़ा सा चल भी रही है, लेकिन ये क्या करती है बीच में, ये बीपी बताती नहीं है, लेकिन कभी 80, 85, 86 तक जाने के बाद एक कट मार देती है, उसके बाद इसकी हवा वगैरह बिल्कुल डाउन हो जाती है। लेकिन ये जो दिक्कत है, ये जो दिक्कत आती है दोस्तों, ये ज़्यादातर आती है उसमें, ये जो मोटर का पंप होता है, पंप में दिक्कत आती है। तो इसी तरह आ जाता है, जैसे ई एरो ना अब तो हमने निकाल रखा है, ई वगैरह ऐसे लिख के आ जाता है, जीरो वगैरह, तो उसमें हवा वगैरह भी नहीं भरती। तो लेकिन ये जो दिक्कत आती है ज़्यादातर जब बड़ी मोटर लगी होती है, मोटर में एक पंप होता है, जिससे कि जैसे हमारा पानी की मोटर में होता है एक पंप, जो मोटर अलग होती है, इसको एक पंप जुड़ा होता है साथ में, पंप ही पानी को खींच के ऊपर प्रेशर से भेजता है। तो इसी तरह ये आ जाता है इसमें ई वाला लिखा हुआ, ये इस तरह कट मार देती है। और करीब कभी कभी थोड़ा सा सही भी बता देती है, लेकिन अधिकतर इसमें ई लिखा जाता है, ई लिखा जाता है, कट मार देती है थोड़ा चलने के बाद। तो दोस्तों ये अधिकतर जो दिक्कत आती है, ये आती है इसकी पंप में, एक वो होता है मोटर में पंप लगा होता है, उसकी दिक्कत आती है। तो ये थोड़ा सा हमें पीसी भी खोलनी पड़ेगी,
ये हमने हटा दिया, ये हम पीसीबी थोड़ा हटा लेंगे। दोस्तों ये जो मोटर है, इस मोटर को हटा लिया और इसमें एक पाइप पिरा होता है, ये निकाल ले। यहाँ पे ये पाइप जो हवा जाने के लिए होती है, क्योंकि यहाँ से वैक्यूम बनती है, हवा निकल के उसी के प्रेशर से जाती है, तो इसमें दिक्कत आ जाती है। दोस्तों मैंने अधिकतर एक दो मशीनों में देखा, तो ये वाली जो पंप है, ये मोटर है, इसके आगे पंप जुड़ा है, तो ये हमें पंप निकाल के इसको वाश वगैरह वो करना पड़ेगा। इसको देखते हैं कैसे निकलता है। इसकी हम पहले तार हटा लेते हैं। तो दोस्तों ये प्लस माइनस है, इस पर वैसे प्लस माइनस लिखा होगा, लेकिन हमने एक निशान भी लगा दिया था प्लस और ये माइनस, क्योंकि जब आप तार जोड़ेंगे तो आपको फिर दिक्कत नहीं आए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है कहीं प्लस माइनस। देखें कहीं लिखा होता है, नहीं मोटर पे नहीं लिखा, तो इसलिए दोस्तों एक बार निशान भी लगा लें प्लस माइनस का, रेड वाला प्लस, ब्लैक वाला माइनस, तो हमने इसलिए निशान लगा लिया। अब हम इसकी सर्विस करनी पड़ेगी दोस्तों। दोस्तों ये इसका मोटर का पंप है, ये मोटर है, ये पंप है, तो इसको रिपेयर करने के लिए उसके एक बार इसकी सर्विस करते हैं। तो इसमें एक अंदर, यहाँ पे इसमें पेज वगैरह नहीं है इसमें फिक्स करने के लिए, तो यहाँ पे एक अंदर एक लॉक दे रखे हैं, तार इधर भी तार है, तो इसमें तीन दे रखे हैं, तीन लॉक, तो हमें इसको निकालने पड़ेंगे। देखते हैं ये देखें दोस्तों, ये तार है, ये लॉक, इसमें ध्यान रखना ये हिस्सा ऊपर रहेगा, ये हिस्सा नीचे रहेगा, इसमें ऐसी तीन दे रखी हैं, तो हम इस, ये शायद YouTube पे किसी ने भी नहीं खोला होगा अभी तक, पर हमने भी काफ़ी वीडियो देखी है लेकिन किसी ने भी नहीं खोला होगा, तो हम आपको उसको पंप को देखिए दोस्तों, ये इसका पंप अलग हो गया। ये देखिए दोस्तों, ये पंप है, ये मोटर है, इसको दोस्तों ये हमने हटा लिया और इसके अंदर ये है, दोस्तों ये भी खुल जाता है, ये ऐसा, इस पर भी निशान लगा लेते हैं। ये इसके पंप है, ये जो रबड़ है दोस्तों, ये इसके पंप है, ये जो प्रेशर होता होगा ये आगे पीछे करके ये वैक्यूम क्लीन कर, हवा को क्रिएट करते हैं, तो हम इसको ऐसी जी ट्यूब लगा देते हैं। दोस्तों ये जो रबड़ है जो इसके अंदर लगानी है, ये थोड़ी सी आपको एक बार निकालने के बाद थोड़ी सी दिक्कत तो करेंगे।
ये दोस्तों इसमें एक गांठ में थोड़ी सी लोक होती है, ऊपर तक खींच दें, बीच में थोड़ा खाली होता है, तो ये इसमें बिल्कुल फंस जाएगा। थोड़ा दबा के ये रबड़ थोड़े से ऊपर वो कर लें, क्योंकि ये ही इसका पंप है। तो दोस्तों ये हमने इसको लगा लिया, अब हम इसको बंद कर देते हैं। तो दोस्तों अभी हम इसके एक बार लॉक लगा देते हैं। दोस्तों इसके तीन लोग हैं, तीनों आपको लगाने पड़ेंगे। दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के दो चैनल हैं, एमकेएस रिपेयरिंग ज्ञान, एक एमकेएस फाइंड सॉल्यूशन। एमकेएस रिपेयरिंग ज्ञान भी है, एमकेएस फाइंड सॉल्यूशन भी है। तो दोस्तों दोनों को ही आप सब्सक्राइब करें, दोनों का ही पहले कहीं दवाएँ। तो जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा आपको उनका नोटिफिकेशन भी दोनों का ऑन रखें, तो आप पे तुरंत वीडियो चली जाएगी। तो दोनों ही मेरे रिपेयरिंग के चैनल हैं, मैं दोनों पर ही लगातार वीडियो डालता रहता हूँ। तो दोस्तों हमने तीनों लॉक लगा लिए, यहाँ से हवा निकलती है, जो हवा निकल के इसमें पीसीबी में यहाँ से घूम के रिले पे जाके तब यहाँ से ही निकलती है। इसके लिए ये भी होता है, ये सेंसर होता है कि कितनी हवा देनी, ये ब्लड प्रेशर बताता है, ये सेंसर लगा होता है। यहाँ भी नीचे एक पाइप लगा होता है जो इसको कट वगैरह करता है। तो हमने ये लगा लिए, अब हम इसको तार जोड़ते हैं एक बार। वैसे ये अलग से भी चेक कर सकते हैं एक बार, इस पर भी चेक करके देखते हैं। दोस्तों ये वैक्यूम बन रही है इसके अंदर, ये हमने ये चलाएंगे तो यहाँ से हवा का वैक्यूम होना चाहिए। तो अब हम इस पे तार जोड़ देते हैं। हमने इस पे ये माइनस था, माइनस ये प्लस, तो माइनस वाले पर माइनस। वैसे तो अगर पंप की ये अंदर की जो रबड़ हमने खोल के दिखाई अगर ख़राब हो जाती हैं या थोड़ी सी वैसी हो जाती है टूटी टूटी, तो ये तो फिर आपको किसी पुरानी मशीन में से निकाल के डालना पड़ेगा पंप। दोस्तों हमने इसको लगा लिया, अब एक बार हम यहाँ पे तार जोड़ते हैं, इसका वैक्यूम भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों वैक्यूम तो आ रहा है, अब हम इसको एक बार बंद करके दोबारा चेक करेंगे। ये हम मोटर की पैकिंग लगा लेंगे। मोटर की पैकिंग दोस्तों ये इसलिए है कि मोटर अगर इसमें डायरेक्ट लगाएंगे तो हिलेगी, तो इसलिए ये पैकिंग भी दी हुई है इसके अंदर।
अब इसमें यहाँ पे एक पाइप लगेगा, ये पाइप लगा लेंगे। पाइप वो लूज नहीं होना चाहिए, टाइट होना चाहिए। अगर लूज होगा तो उसमें हवा जो है ना निकलेगी, तो उसमें सही भी नहीं होता है। पाइप तो इसमें सारे वो होने चाहिए। और दोस्तों एक पाइप आपका यहाँ लगेगा नीचे, नीचे वाला भी ठीक है। अब इसकी पीसी भी लगा देते हैं, एक पाइप इसके नीचे लगता है। दोस्तों हमारी मार्केट में दुकान है तो पीछे से थोड़ी आवाज़ें आती रहती हैं, क्योंकि हर दुकान पर कोई ना कोई कस्टमर रहता है और वो अपनी दुकानदारी के लिए उन्हें बात करनी पड़ती है, तो वो भी तो ये बातें थोड़ी सी रिकॉर्ड हो जाती हैं। हम कोई डबिंग वगैरह तो करते नहीं, सब लाइव वही होता है। जब हम ठीक करते हैं कस्टमर के इंस्ट्रूमेंट तो तभी हम वीडियो बना लेते हैं, अलग से हम कोई डबिंग वगैरह नहीं करते, हम सीधी डबिंग करते हैं। तो अब दोस्तों इसका ढक्कन लगाते हैं। दोस्तों दोनों पेच लगा देते हैं इसको, फिर एक बार फाइनल टेस्टिंग करेंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास ऐसी होम रोम मशीन है तो आपको खोलने वगैरह पे हमने सारा इसको बिल्कुल इजी तरीके से आपको बताया। हम इसकी फाइनल टेस्टिंग करते हैं। दोस्तों वैसे कहते हैं पाइप ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए इस तरह, तो ऐसे ही रखना है। इसको तो दोस्तों हम इसको चेक करते हैं, ये हमने बटन दबा दिया। ये देखिए दोस्तों हम आपको पास में ले जाके दिखा देते हैं, 123 और नीचे का 80, हमारा 80 वैसे बिल्कुल सही होता है, ऊपर का 120 होता है लेकिन 123 है, तो ये भी नॉर्मल में आता है। तो दोस्तों ये बीपी की मशीन बिल्कुल ओके हो चुकी है। तो इसके थोड़े पंप में दिक्कत थी, तो हमने पंप खोल के इसके सर्विस कर दिया और बाकी ओके हो चुकी, क्योंकि इसमें दिक्कत क्या होती थी, ये 4-5 नंबर तक जाती थी फिर उसके बाद कट मार देती थी, तो कस्टमर को बहुत परेशान थे, कभी कभी बता भी देती थी। तो अगर दोस्तों आपके पास ऐसी एमरोन की मशीन है तो आप किसी तरह उसको रिपेयर कर सकते हैं। और ये एमरोन SEM1 इसका मॉडल नंबर है। तो दोस्तों आपने मेरी पूरी वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। दोस्तों पर मेरे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू दोस्तों।